नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आज का सेशन एनआरआई प्रेजेंटेशन के ऊपर है, आज का सेशन एचएनआई प्रेजेंटेशन के ऊपर है, आज का सेशन है किस तरह से एचएनआई को आप समझें, उनकी नीड्स को समझें और उनकी नीड्स के हिसाब से उसको किस तरह से प्रेजेंटेशन देना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स देने चाहिए, कैसे उसको सेट करना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हम आज के सेशन में आपके लिए लेने वाले हैं। और अभी जो आपने देखा वीडियो, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भूल मत कीजिएगा। अगर आप एक वीडियो से इतना सीख सकते हैं तो हमारे चैनल पर तकरीबन दोस्तों 200 वीडियोज हैं। सोचिए आप कितना देख पाएंगे, कितना लर्निंग होगा और उससे आपका कितना अर्निंग बढ़ेगा। सो डायरेक्टली दोस्तों शुरुआत करते हैं। सैटरडे इवनिंग है, सीधा ही हम प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। दोस्तों 26 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में, मायसेल्फ संजय गुरनानी, कॉर्पोरेट बिजनेस बैंक अश्योरेंस के थ्रू किस तरह से करना चाहिए, एनआरआई बिजनेस किस तरह से करना चाहिए, बहुत सारे हमारे साथियों को एनआरआई बिजनेस डेवलप करके दिया हुआ है बहुत सारे देशों में। आज तो एनआरआई बिजनेस की बाढ़ हो रही है, हर एक डिविजन में बिजनेस आ रहा है। सो हमने कम से कम 1000 एडवाइजर्स को एनआरआई बिजनेस डेवलप करने में हेल्प की है। साथियों फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से बनाना चाहिए, जीरो टू एंड, यस फ्रेंड्स, एचएनआई का फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, कंपनीज के साथ कैसे काम करना चाहिए और अंडरराइटिंग कैसे होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योरेंस बिजनेस का कैसे होना चाहिए, इन सब में 26 साल का दोस्तों रिच एक्सपीरियंस, रीजनेबली क्वालिफाइड। दोस्तों अपने आप को डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस बदलते परिवेश में अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। सो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद एमबीए कंप्लीट किया, उसके बाद सीएफपी कंप्लीट किया, उसके बाद लाइसेंसिएट किया, एसोसिएट किया, फेलोशिप किया और उसके बाद दोस्तों एडवांस प्रोग्राम फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम IIM कोलकाता। यह दिखाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने आप को पॉलिश करते रहना बहुत जरूरी है, हमेशा अपने आप को कुछ नया सिखाना, कुछ नया सीखना, कुछ हर रोज कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। दोस्तों मेरा मिशन है कि नॉर्मल एडवाइजर को किस तरह से, जो नॉर्मल एडवाइजर्स हैं जो अब तक सोचते नहीं है कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, जिन्होंने आज तक सोचा नहीं एनआरआई बिजनेस के लिए, जिन्होंने आज तक सोचा नहीं किस तरह से कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, उन सबको एनआरआई एक्सपर्ट, फाइनेंशियल प्लानर एक्सपर्ट एंड कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर बनाना है। यह मेरा मिशन है और उसी मिशन के तहत बहुत सारे एडवाइजर्स ने एनआरआई बिजनेस किया। 141 एडवाइजर्स ने बहुत ही बढ़िया बिजनेस किया, एनआरआई बिजनेस किया और उससे भी ज्यादा लोगों ने कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट में एंट्री की। सो दोस्तों आज के इस 90 मिनट के सेशन में सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। इसके अंदर हम आज क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले दोस्तों हम सीखने वाले हैं 5 सीक्रेट नीड्स। कौन सी 5 सीक्रेट नीड्स होती है जिसकी वजह से HNI बड़ा प्रोटेक्शन, बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, उसके बाद कौन से 5 फियर्स होते हैं जो एडवाइजर के मन में डीप रूटेड होते हैं बड़े प्रोस्पेक्ट को मिलने के लिए, HNI को मिलने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलने के लिए, बिजनेसमैन को मिलने के लिए, कौन से 5 फियर हैं जो आपके और आपके सक्सेस के बीच में रुके हुए हैं, जो आपको रोक रहे हैं, कौन से 5 फियर हैं आज उस पर बात करेंगे और कौन से 4 क्रिटिकल रिस्क हैं बिजनेसमैन और HNI
के लाइफ में अगर हम उन चार क्रिटिकल रिस्क को समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, अगर आपने वो चार क्रिटिकल रिस्क बिजनेसमैन से बात भी की, तो आप अलग लेवल के एडवाइजर्स होंगे, आप भीड़ से हटके होंगे। दोस्तों उस क्रिटिकल रिस्क को समझाना तो दूर की बात, खाली अगर उसके ऊपर आपने बात भी की तो आप भीड़ से हट जाएंगे। सो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले, कौन से चार क्रिटिकल रिस्क है जो बिजनेसमैन और एचएनआई की लाइफ में होते हैं, उसके साथ दोस्तों कौन से छह बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, आपका बिजनेस भविष्य में कैसे चेंज होगा, कौन से छह कॉम्पिटिटर हैं जो रियली आपके साथ कंपीट कर रहे हैं, और उसके साथ कौन से सेवन थ्रेट्स हैं, छह कॉम्पिटिटर और सात थ्रेट्स कंसर्न्स, इसको अगर हम दिल से समझते हैं ताकि हम आने वाले समय में अपने बिजनेस को उस प्रकार से तैयार कर पाए ताकि ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ हम सही तरीके से मुकाबला कर पाए, और जो ये सात थ्रेड्स हैं उसकी तैयारी हम सबसे पहले कर लें दोस्तों। सो आज का सेशन जो है आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मजेदार रहने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डायरी नोटपैड लेके रखिएगा, जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ लिख सकें, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो आप लिख सकें, और लास्ट में चैट में आपके हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेंगे। चैट में क्वेश्चंस आप अभी मत लिखिएगा, डोंट राइट एनीथिंग इन चैट जस्ट नाउ, चैट में जब आपको कहूंगा तब लास्ट में आप चैट में लिखिएगा तो मैं आपका आंसर दे पाऊंगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक नोटपैड नहीं लिया हो तो लेके रखिएगा, नोटपैड दोस्तों जरूरी होता है। मेरा नियम है जब भी मैं कुछ सिखाने बैठता हूं या जब भी मैं कुछ सीखने बैठता हूं, मैं पढ़ने बैठता हूं, तो नोटपैड हमेशा मेरे पास होती है। पढ़ना बंद तो कैसे होगा जिंदगी में आगे तरक्की, सीखना अगर बंद हो गया दोस्तों तो आपका जीतना बंद हो जाता है, सीखना बंद तो जीतना बंद, जीतता वही है जो सीखता है। हमेशा लर्निंग मोड में आप रहेंगे तो अर्निंग मोड में रहेंगे। कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, बीच बीच में लिखते रहिएगा, अगर आप लर्निंग मोड में रहेंगे तो आप अर्निंग मोड में रहेंगे, अगर आप लर्निंग मोड में रहेंगे आप पढ़ते रहेंगे तो आप अर्निंग मोड में रहेंगे, और सीखना बंद तो जीतना बंद। अब कई बार कुछ साथी ऐसे बोलते हैं, सर जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो कहाँ कमाते हैं? दोस्तों जो सही तरीके से, अच्छी तरीके से, दिल से, ध्यान से, दिमाग से पढ़ाई करते हैं उनके जितना कोई नहीं कमाता। सो एक बार फिर से कहूंगा, सीखना बंद तो जीतना बंद, और जीतता वही है जो सीखता है, और अगर आप लर्निंग मोड में रहेंगे तो आप जल्द ही अर्निंग मोड में आ जाएंगे दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा जो प्रेजेंटेशन में नहीं होगी, तो लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों। विनर दोस्तों, हर एक को जिंदगी में विनर बनना है, हर एक को लाइफ में विनर बनना है, हर एक को। क्या आप चाहते हैं कि नहीं, आप विनर बनना चाहते हैं? लिखिए यस कमेंट में, चैट में लिखिए यस। अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो चैट में अवश्य लिखिएगा यस, क्योंकि मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा चैट के माध्यम के थ्रू। अगर जीतना है तो ये इंस्ट्रक्शन हमेशा फॉलो कीजिएगा। विनर बनना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू बिकम अ विनर? अपनी लाइफ में जीतना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो तैयारी दोस्तों एक छोटे से काम से होती है। आर यू रेडी टू विन? आप विनर बनने के लिए तैयार हैं? सो इफ द यस, तो उसका मैं जिंदगी में पहला नियम आपको बता देता हूं। पहला नियम और आखिरी नियम कौन सा है? विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जो जीतते हैं वो कभी भी युद्ध भूमि को, रणभूमि को छोड़ते नहीं है, और जो रणभूमि को छोड़ देते हैं वो जिंदगी में कभी भी जीतते नहीं है। इसीलिए दोस्त, कैसी भी परिस्थिति हो, कस्टमर हां बोले या कस्टमर ना बोले, विनर्स नेवर क्विट।
वो अपने एफर्ट्स कभी भी छोड़ते नहीं है, और जो अपने एफर्ट्स छोड़ देते हैं वो जिंदगी में कभी भी जीतते नहीं है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, जीत आपकी होगी, अवश्य होगी। सो जिंदगी में कभी भी अगर आप हार जाते हैं, कभी भी आप मायूस हो जाते हैं, कभी भी लगता है कि अभी रास्ता नहीं दिख रहा, कभी भी लगता है कि अब क्या करूं, तो इस सेंटेंस को याद रखिएगा दोस्तों। सुबह का जब पहला सूरज निकलता है, पहली किरण निकलती है, तो अंधेरे के बाद निकलती है, अंधेरे के बाद लगती है। टनल के सामने हमेशा रोशनी होती है, लेकिन लगे रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। सो एक बार फिर से बोलूंगा, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। कभी भी हताश हो, सोचिएगा एक एफर्ट्स और, एक और कोशिश, जीत आपके कदमों में होगी। जो ना बोलता है वही हाँ बोलता है, जो ना बोलता है वही हाँ बोलता है। दोस्तों आज का मीटिंग उन सभी साथियों के लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, जिनके मन में 1% भी प्रोफेशनल बनने की इच्छा है, आज यह मीटिंग उन सबके लिए है। अगर कोई साथी ऐसा बस ठीक है टाइम पास करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये आज की मीटिंग उनके लिए नहीं है। आज की मीटिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स के लिए है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए, प्रोफेशनल सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स के लिए है। सो अगर अभी भी किसी को ऐसा लगता हो तो दूसरा काम कर सकते हैं, बट आज का मीटिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बातों के लिए होगी और प्रोफेशनलिज्म के लिए होगी। दोस्तों व्हाट इज द स्कोप फॉर HNI एंड कॉर्पोरेट बिजनेस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर यह HNI बिजनेस और कॉर्पोरेट बिजनेस का स्कोप कितना है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज करते हैं, नया बिजनेस करने जाते हैं, नई दुकान खोलने जाते हैं, नए सेगमेंट में एंट्री करते हैं, तो पहले पता होना चाहिए कि यह मार्केट कितना बड़ा है, इसमें कितनी पोटेंशियलिटी है, इसमें कितनी इनकम आ सकती है, इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या हो सकता है। सो कितना स्कोप है, व्हाट इज द स्कोप फॉर HNI एंड कॉर्पोरेट बिजनेस। सो स्कोप इज ह्यूज ह्यूज ह्यूज, बहुत बड़ा समुंदर है। आइए देखते हैं कैसे। इज इट पॉसिबल इन अ कोविड टाइम। दूसरा मन में आपके सवाल होगा कि सर अभी लोगों की इनकम बंद हो रही है, लोगों की लाइफ में चैलेंजेस बढ़ गई है, बहुत जगह अभी भी सिचुएशंस टफ है, रिकवर हो रही है बट उतनी रिकवर नहीं हुई है। सो सबसे पहले तो स्कोप कितना है, और उसके बाद करंट सिचुएशन में जहां पर इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसमें स्कोप है या नहीं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, क्या HNI बिजनेस का स्कोप कितना है और जो कर रहे हैं वो किस तरह से हो रहा है। डिटेल में दोस्तों अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में कोविड के समय में क्या क्या हुआ, स्टेटिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट, नंबर स्पीक्स। अगर आप स्टेटिस्टिक्स मैथ्स बहुत ध्यान से देखते हैं तो नंबर स्पीक्स, पूरी दुनिया नंबर्स पे चलती है, आपकी मोबाइल नंबर्स पे चलती है, मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं वो नंबर्स के ऊपर चलते हैं, नंबर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। दुनिया में दोस्तों 607 नए बिलियनर्स आए, नए आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू। हम सबसे पहले HNI बिजनेस के लिए स्कोप देखेंगे क्या है कैसे है। 607 नए बिलियनर्स एड हुए 2020 में कोविड के समय में, और उसको अगर हम डिटेल में देखें हर 2 दिन में, हर 2 दिन में 3 बिलियनर्स पूरे दुनिया में ऐड हुए, मतलब लोगों के पास पैसे जो है वो बढ़ते गए कोविड के समय में। चैलेंजेस आई किसके लिए,
और चैलेंजेस नहीं आई किसके लिए, आइए उसको और डिटेल में देखते हैं। इंडिया में क्या हुआ, अभी तो हमने बात की पूरे दुनिया की, हिंदुस्तान में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ। अगर हम भारत की तस्वीर देखते हैं दोस्तों, तो 55 नए बिलियनर्स ऐड हुए, 55 न्यू बिलियनर्स एडेड इन 2022। कोविड के समय में 55 नए बिलियनर ऐड हुए और एक नया बिलियनर एवरी वीक, हर वीक में एक नया बिलियनर इंडिया में ऐड हुआ। नया बोल रहा हूं, पुराने नहीं, पुराने तो जो है वो है, एक नया बिलियनर ऐड हुआ 2020 में कोविड के समय में। यह क्या बताता है, इस फिगर से हम क्या समझें दोस्तों? रिचेस्ट मैन इन इंडिया, इनकी संपत्ति बहुत फास्ट बढ़ी कोविड के समय में, बहुत फास्ट बढ़ी। लोगों ने फ्लोटिंग हाउसेस लिए, लोगों ने इतने पैसे देखे कि जो शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे इसी कोविड के समय में। इसी कोविड के समय में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो छोटी गाड़ियों की बिक्री जो है वो कम हुई, एसयूवी गाड़ी की बिक्री ज्यादा हुई। जो टॉप के मॉडल्स थे, टॉप के मॉडल्स की बात कर रहा हूं, उसमें वेटिंग पीरियड रहा और जो छोटे मॉडल थे वो मिल रहे थे। इसका मतलब क्या, सोचिएगा, जो 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है फोर व्हीलर इंडिया में, उसका वेटिंग पीरियड, और जो छोटी गाड़ी है जो 3 लाख में 5 लाख में मिलती है, वो रेडी टू डिलीवर। व्हाट इट सजेस्ट, एक बार सोच के देखिएगा कि इसका मतलब क्या है, इस चीज का आपके बिजनेस से क्या मतलब है। इस चीज का बिजनेस से यह मतलब है, अगर हम यहां से सोचते हैं कि मार्केट में पैसे नहीं है, चैलेंजेस हैं, तो तथास्तु है। अगर हम सोचते हैं मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, अगर हम सोचते हैं कि मार्केट में पैसे आ रहे हैं, अगर हम सोचते हैं कि बिलियनर्स कैसे बढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं वही हमें दिखता है। सो सबसे पहले बेटर साइड को देखें, अपॉर्चुनिटीज को देखें। चैलेंजेस तो है, उसमें कुछ बात नहीं है, चैलेंजेस तो दुनिया में रहेंगी, परिस्थितियां तो दुनिया में हमेशा चैलेंजेबल रहेंगी। मनोस्थिति से आप परिस्थिति को बदल सकते हैं साथियों, मनोस्थिति से आप परिस्थिति को बदल सकते हैं। So, और एक न्यूज 1380 कार रॉयल्स रॉयस बिकी कुछ महीनों में, 62% ग्रोथ, हाईएस्ट इन 116 ईयर्स। 116 साल का जो इतिहास है, 116 साल के इतिहास में इतना ग्रोथ रॉयल्स रॉयस का कभी नहीं आया। रॉयल्स रॉयस कोई छोटी गाड़ी तो नहीं है, यह क्या बताता है। और सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आज 1000 एडवाइजर्स, 1000 डेवलपमेंट ऑफिसर्स SBA आज इस मीटिंग में जुड़ चुके हैं। 1000 का कैपेसिटी है, आपका नेटवर्क मजबूत रखिएगा। भूल में भी अगर आप बाहर चले गए तो शायद मीटिंग में आना मुश्किल होगा। तकरीबन 200 एडवाइजर अभी भी वेटिंग में है, 250-300 बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, 300 एडवाइजर वेटिंग में हैं। आप मीटिंग के अंदर हैं, आपका नेटवर्क मजबूत रखिएगा, सिग्नल जाना नहीं चाहिए, अगर गया तो मीटिंग से बाहर वापस आना मुश्किल होगा दोस्तों। मीटिंग लॉक हो चुकी है, 300 एडवाइजर्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स SBAs अभी भी वेटिंग में है बाहर, दे कैनॉट एंटर द मीटिंग बिकॉज हाइएस्ट कैपेसिटी 1000 एडवाइजर्स की है। 1000 participants only can join this meeting, और वो ऑलरेडी हो चुका है। सो ध्यान से बैठिएगा, भूल में भी अगर आप बाहर गए वापस नहीं आ पाएंगे, मीटिंग इज गोइंग टू बी लॉक्ड। सो दोस्तों 1380 कार बिकी लास्ट कुछ महीनों में, 62% ग्रोथ के साथ, जो 116 साल का रिकॉर्ड है। और ये है कोविड का समय, कोविड के समय की बात बता रहा हूं। इससे हम क्या सीखते हैं, What we learn from all these things?
हमारे माइंड में यही रखना है कि इन सब परिस्थितियों में यही देखना है कि कौन कमाता है कौन गंवाता है। दोस्तों अगर हमारी इंडस्ट्री में देखें, आपके इर्द गिर्द देखें, पूरे स्टेटिस्टिक्स को बहुत ध्यान से देखें, तो 5% और 90% का एक कैलकुलेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 5% एंड 90% ये क्या है? व्हाट इज 5% एंड व्हाट इज 90%? आइए दोस्तों डिटेल में देखते हैं। 5% एडवाइजर्स ऐसे हैं जो 90% इनकम अर्न करते हैं इस इंडस्ट्री में। 5% एडवाइजर्स आर गेटिंग 90% ऑफ द इनकम एंड 95% ऑफ द एडवाइजर्स आर गेटिंग ओनली 5% ऑफ द इनकम। व्हाई? सोचिएगा, 5% एडवाइजर्स 90% इनकम ले रहे हैं और 95% एडवाइजर सिर्फ 10% इनकम ले रहे हैं। क्या कारण है? व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड दिस? अगर और डिटेल में दोस्तों आते हैं तो आज मैं इसके आपको सीक्रेट्स बताने वाला हूं कि आप 5% में और आगे कैसे आ सकते हैं। आज बहुत सारे सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उससे पहले हमारे ऑफिस के ये दो नंबर हैं, आपके नोट पैड में अवश्य लिख लें, 9426743252, 9894285982। आई रिपीट, ये दो नंबर फटाफट आपके डायरी में लिख लीजिएगा, 9426743252, 9428598252। चलिए दोस्तों इन सीक्रेट्स की जर्नी पे हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एडवाइजर्स आर डूइंग HNI बिजनेस? LIC में अगर हम देखें तो गैलेक्सी क्लब में 1124 एडवाइजर हैं और कॉरपोरेट क्लब में 287 एडवाइजर्स हैं। व्हाट टॉपर्स आर डूइंग डिफरेंट? हर एक आदमी को यह मन में होता है कि जो टॉप पे है वो डिफरेंट क्या करते हैं, वो अलग क्या करते हैं, वो अलग कैसे करते हैं। आज मैं उनके सीक्रेट्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। टॉपर्स डिफरेंट क्या करते हैं, व्हाट एक्चुअली, मार्केट सेम है, प्राइसिंग सेम है। आप एक बार सोच के देखिएगा, मार्केट सेम है, प्राइसिंग सेम है, चैलेंजेस सेम है, ऑब्जेक्शन सेम है, प्रॉब्लम सेम है, सर्विसिंग सेम है, क्लेम सेम है, रिटर्न सेम है, तो डिफरेंट क्या है जो 5% एडवाइजर्स 90% इनकम लेते हैं और 95% एडवाइजर्स सिर्फ 10% इनकम लेते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? आज हम उसके ऊपर भी दोस्तों अवश्य शेयरिंग करने वाले हैं आपके साथ। 95% एडवाइजर्स क्यों इनकम कम ले रहे हैं? उसका रीजन है दोस्तों रेड ओशन का मतलब है बहुत सारे आपस में भिड़ते रहते हैं एडवाइजर्स, रिबेटिंग होता है, डिबेटिंग होता है, ऑब्जेक्शंस होते हैं, प्राइस वॉर होता है। इसको हम बोलते हैं रेड ओशन। ऐसा मार्केट जहां पर भीड़ बहुत है, जहां पर भीड़ बहुत है, युद्ध बहुत है, लड़ाई बहुत है, छोटे छोटे कॉल्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोग उस पर लड़ रहे हैं। सो इसीलिए 95% एडवाइजर्स हैं जो रेड ओशन में काम करते हैं। अगर आपने कभी भी रेड ओशन और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बारे में सुना होगा, आज मैं उसके ऊपर भी आपसे चर्चा करने वाला हूं। सो 95% एडवाइजर्स आर वर्किंग इन रेड ओशन, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग ओनली 10% ऑफ द इनकम। और रेड ओशन में काम करते हैं इसी वजह से जो उनकी इनकम है सिर्फ 10% होती है और टॉप के एडवाइजर्स जो है 5% एडवाइजर्स ब्लू ओशन में काम करते हैं और ब्लू ओशन में काम करने की वजह से जो उनकी इनकम है वो 90% है। 90% इनकम इसलिए काम कर, देखिए आसपास कोई नहीं दिख रहा,
बिल्कुल खुला आसमान है, जो भी मार्केट है मेरा है। ऐसे परिस्थिति में जब काम करते हैं तो उनकी इनकम बढ़ती है, एफर्ट्स सेम होते हैं दोस्तों, इनकम बढ़ती है। इनकी स्ट्रेटेजी शेयर करूं उससे पहले मैं, आपके मन में कौन से 5 फियर्स होते हैं, कौन सी 5 चिंताएं होती हैं जो HNI प्रोस्पेक्ट तक पहुंचने में हमें एक बार सोचने पे मजबूर करती है? तो सबसे पहली चिंता है, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट थे। मैं HNI के साथ बिजनेस तो करना चाहता हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बिजनेस करना चाहता हूं, बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करना चाहता हूं, उसकी रिस्क प्रोटेक्शन करना चाहता हूं, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता हूं, लेकिन मैं उनको मिलूं कैसे? हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट दे। सेकेंड फियर दोस्तों, कभी भी आप देखिएगा ऐसा मन में रहता है, विल दे ट्रीट मी वेल। इंसल्ट का तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्या, मुझे अच्छी तरह से रेस्पॉन्स मिलेगा, या बाहर से ही जय श्री राम बाहर से ही हाथ जोड़ दिए। विल दे ट्रीट मी वेल, मन में एक, इसी वजह से तो बहुत सारे एडवाइजर्स HNI के पास नहीं जाते। पहला फियर, मैं ढूंढूं कैसे, कांटेक्ट कैसे करूं। चलो कांटेक्ट कर लिया, अंदर एक मन में होता है कि विल दे ट्रीट मी वेल। तीसरा फियर आता है दोस्तों, हाउ शुड आई स्टार्ट। चलो हम पहुंच गए, मैंने हिम्मत कर ली, जो होगा देखा जाएगा, बट हाउ टू स्टार्ट। जाके सबसे पहले मुझे बात क्या करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करने का जो प्रेशर है उसको कैसे रिलीज करना है, किस तरह से प्रेजेंटेशन पावरफुल होनी चाहिए, शुरुआत मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद आता है, अरे भाई पहले तो मुझे पता चलना चाहिए उसकी जरूरत क्या है, HNI की नीड्स क्या है, तभी तो मुझे पता चलेगा हाउ शुड आई स्टार्ट। और डू आई हैव अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द रियल नीड्स, क्या मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो उनकी जरूरतें जानने के बाद मैं उनको दे पाऊं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाऊं। सो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि ये 5 फियर्स आपके मन में रहते हैं, या इसके अलावा भी कोई रहता है तो अभी का अभी चैट डालिए, अभी का अभी उसमें लिखिए, डू यू एग्री, यस डू यू एग्री, क्या यही फियर्स है, या आपको छठा कोई फियर है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बिल्कुल दोस्तों मेरे साथ आप चैट करेंगे, आप लाइव रहेंगे, आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय द मीटिंग, आपको मजा आएगा कि क्या ये 5 फियर रहते हैं, मैं उनको मिलूंगा कैसे, अगर चला भी गया तो क्या मेरी इंसल्ट तो नहीं होगी, मैं कम्युनिकेशन बरोबर कर पाऊंगा कि नहीं। फैंटास्टिक, हाउ शुड आई स्टार्ट, जाके मैं सबसे पहले बोलूं क्या, बोलूं क्या, और बोलने से पहले उनकी सही नीड क्या है, उनके पास पहले से ही फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा, अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा, प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा, इसका मतलब मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हूं, इसी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है, इज इट राइट, क्या यह सही बात है। उनके पास पहले से ही अच्छा आदमी होगा, इसका मतलब मैं बुरा आदमी, नो, उसके पास पहले से ही प्रोफेशनल आदमी होगा, क्या मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, ये मन में अंदर कहीं ना कहीं चुभता रहता है, राइट। सो डू आई हैव अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर रियल नीड्स, उनकी नीड्स जानू, उसके बाद क्या मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो उनकी सही नीड्स को एड्रेस कर पाए। थैंक यू, जो भी साथी जाग रहे हैं, जो प्रोफेशनली कमेंट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, उनका आभार। देखिए बहुत सारे एडवाइजर्स अभी भी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट अभी भी जो मीटिंग में आना चाहते हैं, 300 पार्टिसिपेंट्स बाहर बैठे हुए, दोस्तों आप लकी हैं, आप मीटिंग के अंदर है, 300 पार्टिसिपेंट आज मीटिंग के बाहर वेट कर रहे हैं, वेटिंग रूम में है,
दे के नॉट एंटर क्योंकि इस मीटिंग की लिमिट 1000 पार्टिसिपेंट्स है। सो यह जो पांच फियर्स हैं दोस्तों, इन पांच फियर्स को एक एक करके मैं एड्रेस करूंगा। हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट देम, विल दे ट्रीट मी वेल, हाउ शुड आई स्टार्ट, व्हाट आर देयर एक्चुअल नीड्स, डू आई हैव अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, रियल नीड्स। सो दोस्तों राइट क्वेश्चन कन्वर्ट नो टू यस विद अ बिग प्रीमियम। अब सक्सेस की धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीज बताते जाऊंगा। आज टू द पॉइंट मीटिंग होगी, राइट क्वेश्चन कन्वर्ट नो टू यस, राइट क्वेश्चन कन्वर्ट नो टू यस विथ अ बिग प्रीमियम। पहला नियम, अगर आपने सही सवाल पूछा है तो आप ना को हां में बदल सकते हैं और वो हां होती है बड़े प्रीमियम की। सही सवाल मतलब नीड्स जानने के लिए कौन से सवाल पूछने हैं। सो राइट क्वेश्चन कन्वर्ट नो टू यस एंड यस इज बैक्ड बाय अ बिग प्रीमियम। आपके साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एनआरआई बिजनेस के लिए टू डेज बैक हमारे एक एडवाइजर है, उन्होंने बहुत अच्छी एनआरआई बिजनेस की, हमारे लास्ट कोर्स के पार्टिसिपेंट है, और उन्होंने मुझे डायरेक्ट कनेक्ट किया यूएस के क्लाइंट के साथ जूम के ऊपर। जूम के ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट किया यूएसए के क्लाइंट के साथ, परसों दोपहर की बात है और वहां पर शायद रात के 2 बजे थे। हमने 12:30 बजे मीटिंग चालू की और 2 बजे मीटिंग कंप्लीट हुई और वहां पर रात के 2 बज रहे थे। दोस्तों आप अचंभित होंगे, आई सैल्यूट टू दैट लेडी, उस एडवाइजर को मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि जो सामने वाला बंदा था, जो उसका प्रोस्पेक्ट था, वो ऑलरेडी 5 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। ही इज अ ब्रोकर। ब्रोकर को, यूएसए के ब्रोकर को पॉलिसी बेचने के लिए हिम्मत दिखा सके वो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, और बड़ी डील फाइनल की उन्होंने। आप एक बार सोचिए, हलवाई को अगर आप मिठाई बेच दें तो आपकी मिठाई में क्या दम होगा। सो मैं सैल्यूट करता हूं उस लेडी को जिसने, और द पर्सन वॉज टेलिंग मी, सर एक्चुअली आई हैव अ license of the 5 companies, I working for so and so companies, we offer this type of product, we offer this type of products, the return is this, return is that. Dosto Jeevan Umang product usne kharida. Now ab aapko sochna hai ki aapke product mein kitna dam hai. Yahan baithe agar koi lady US ke advisor ko jo 5 company mein kaam karta hai agar bech sakti hai, to now you can see what is the potential, right? आगे आते हैं दोस्तों। सो राइट क्वेश्चंस कन्वर्ट नो टू यस विथ अ बिग प्रीमियम। व्हाई इंजीनियर अर्न 100 टाइम्स देन लेबरर। यहां पर छोटा सा एक मिस्टेक है, व्हाई इंजीनियर अर्न 100 टाइम्स देन लेबरर, मिस्टेक स्पेलिंग का है, डोंट वरी। सो इंजीनियर क्यों लेबरर से 100 टाइम्स ज्यादा कमाता है, क्या कारण है? बी इंजीनियर ऑफ योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस का मास्टर बनना है, अपने बिजनेस का इंजीनियर बनना है, 5% में आना है। बी स्मार्टर देन द मोस्ट अदर्स। पूरी भीड़ से आप स्मार्ट बनो तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स बहुत कुछ बताने वाला हूं। बी द फर्स्ट मूवर, बी द फर्स्ट मूवर, जो सबसे पहले शुरुआत करता है किसी भी काम की, किसी भी तरह से इनोवेटिव चीज करता है, वह हमेशा जीतता है। बी द फर्स्ट मूवर मार्केट में, बी द फर्स्ट मूवर। इनिशिएशन, कोई भी चीज शुरुआत करना मैं करता हूं, एंड इनोवेशन क्रिएट अ जाइगेंटिक वैल्यू। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपना बिजनेस बढ़ाना है,
बी द इंजीनियर ऑफ योर बिजनेस, बी स्मार्टर देन मोस्ट अदर्स, बी द फर्स्ट मूवर, एंड इनिशिएशन एंड इनोवेशन क्रिएट जाइगेंटिक वैल्यू। जिंदगी में अगर अपनी वैल्यू चाहिए तो इनिशिएट कीजिए, जो अब तक नहीं किया वो कीजिए, जो अब तक सिर्फ सोच रहे थे उसको इंप्लीमेंट कीजिए, इनोवेट कीजिए, अपने अंदर से एक नया अवतार बाहर लाइए, अपने अंदर से एक प्रोफेशनल इंसान को बाहर लाइए। आज तक अगर पार्टनरशिप इंश्योरेंस नहीं बेचा, कभी सोचा ही नहीं, कभी ट्राई नहीं किया, तो जो 5% एडवाइजर्स हैं वो इनोवेटिवली सोचते हैं पार्टनरशिप इंश्योरेंस के ऊपर आपको काम करना है, एलएलपी इंश्योरेंस के ऊपर काम करना है। 5% एडवाइजर्स क्या करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर्स को प्रोटेक्शन प्लान के ऊपर काम करते हैं, कीमैन इंश्योरेंस फॉर स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई, या कीमैन इंश्योरेंस फॉर स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई, या मैं ऐसे सेगमेंट आपको बता रहा हूं जो ओपन है, जिसमें भीड़ नहीं है। अभी आएंगे, मजा आने वाला है आज आपको मीटिंग में। एचएनआई स्ट्रक्चर्ड प्रोटेक्शन प्लान, मार्केट बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, एचएनआई स्ट्रक्चर्ड प्रोटेक्शन प्लान, ये क्या होता है, प्लान्स आयरन डोम टू प्रोटेक्ट फैमिली फ्रॉम 360 डिग्री लायबिलिटी, यह बिल्कुल अल्ट्रा एचएनआई। बिजनेसमैन को अगर आपने यह चीज समझाई, अगर आपने देखा होगा इज़राइल ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की आयरन डोम, आयरन डोम मतलब कॉम्पिटिटर के मिसाइल को हवा में उड़ा दिया, वो आ ही नहीं सकता। सो किसी की भी फैमिली की एचएनआई की फैमिली के लिए 360 डिग्री लायबिलिटी प्रोटेक्शन के लिए कैसे उसके लिए आयरन डोम तैयार करना, फाइनेंशियल आयरन डोम, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स आपने नाम एक बार सोचिएगा, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, एलएलपी इंश्योरेंस, प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर्स प्रोटेक्शन प्लान, कीमैन इंश्योरेंस फॉर स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई, एचएनआई स्ट्रक्चर्ड प्रोटेक्शन प्लान एंड फाइनेंशियल आयरन डोम फॉर एचएनआईस, राइट। ओ बहुत सारे दोस्त सोचते होंगे, सर ये जो बिलियनर्स हैं क्या उनको इंश्योरेंस की जरूरत होती है? आप में से बहुत सारे दोस्तों को सवाल आता होगा कि कई बार आप किसी कस्टमर के पास चले गए और उसने आपको ऐसे बोला, दोस्त मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि मेरी 60 पुश्ते बैठ के खाएं तो भी वो पैसे कम नहीं होंगे, आप क्या प्लानिंग मुझे बताओगे? और आपको ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता होगा, डू बिलियनर्स नीड इंश्योरेंस, क्या वाकई बिलियनर्स को इंश्योरेंस की जरूरत होती है? मन में सवाल चल रहा है कि नहीं, एक बार सोचिए, क्या जो अरबोपति है खरबोपति है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है? डू दे नीड इंश्योरेंस, डू दे नीड प्रोटेक्शन? आज मैं आपको उसका जवाब देने वाला हूं, मस्त जवाब देने वाला हूं। यू विल यह पॉइंट, एक पॉइंट आपके इस मीटिंग का टाइम का, आपके समय की कीमत का पैसा वसूल होगा। मीटिंग फ्री है लेकिन आपके समय की कीमत है दोस्त, आज मीटिंग फ्री है आपके समय की कीमत है, क्योंकि अभी भी 300 से ज्यादा एडवाइजर्स पार्टिसिपेंट्स हमारी इस मीटिंग में अटेंड नहीं कर पा रहे, उनसे मैं माफी चाहूंगा, जो सबसे पहले 1000 आ गए वो आ गए। डू बिलियनर नीड्स इंश्योरेंस, उसका जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who needs more protection? जिसकी जितनी वैल्यू होती है, जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होती है दोस्त, उसी को ही प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। जिसकी वैल्यू ही नहीं होती उसको प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं होती। जो जितना ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा सेफ्टी की जरूरत पड़ती है, जिस डेटा की ज्यादा कीमत होती है उसकी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, जहां पर पूरा गोल्ड रखा होता है वहां पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, जहां लोहा रखा होता है वहां सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। सो बिलियनर नीड्स मोर प्रोटेक्शन देन एन ऑर्डिनरी मैन। इस थिंकिंग से एक बार सोच के देखिएगा आपके लिए मार्केट कितना बड़ा ओपन होने जा रहा है। सोच का बदला है दोस्त, सिर्फ सोच बदलनी है,
एक आदमी सोचता है कि जिसके पास पहले से 1000 करोड़ है क्या उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, दूसरा आदमी सोचता है इसके पास 1000 करोड़ है इसलिए इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। भिखारी को किस चीज की जरूरत है? दे डोंट नीड प्रोटेक्शन। जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू उसको उतना ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। द वैल्यू क्रिएट्स द प्रोटेक्शन। दोस्तों क्या आप एग्री है इस स्टेटमेंट से? फटाफट लिखिए, आर यू डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट। मैं चाहता हूं कि आज के सेशन की एक भी पॉइंट आप मिस ना करें, आप मिस ना करें। हर एक पॉइंट आपके लिए सोना है, हर एक पॉइंट आपके लिए बिजनेस है। इट विल गिव यू द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं पर यह सवाल चलता रहता होगा, सर कैन आई डू इट, क्या मैं भी कर सकता हूं? हाउ अदर्स आर डूइंग, क्या ये मेरे लिए है, क्या ये मेरे लिए है? मैं चेन्नई को कैसे ढूंढूंगा सर? हाउ कैन आई रीच टू देम, मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? और जो बैरियर्स होते हैं, मेरे सीएफओ को मिल लो, मेरे असिस्टेंट को मिले, मेरे ऑफिस में मिल लो, मेरे सेक्रेटरी को मिल लेना, ये बैरियर्स को कैसे तोड़ना, अंदर जाना कैसे? यही तो तकलीफ होती है, मैं वहां से बाहर आ जाता हूं। दिस हैपेंस, राइट और रॉन्ग, बताइएगा क्या यह मन में आपके सवाल चलते रहे हैं, क्या यह आपके मन में सवाल आ रहे हैं? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। इज द इंश्योरेंस इजी टू से? क्या प्रोटेक्शन बेचना, इंश्योरेंस बेचना इजी है? उसका जवाब है दोस्तों, एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट बिकम्स इजी। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा हार्ड होती है इजी होने से पहले। अगर आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं, पहले टफ लगेगा। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, जीत आपकी होगी। दुनिया में हर एक चीज इजी होने से पहले मुश्किल होती है, आसान होने से पहले मुश्किल होती है। जब भी अगर आपको ऐसा मन करता है, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना, लेकिन मायूस मत होना। दुनिया में कोई भी चीज इजी होने से पहले, आसान होने से पहले मुश्किल होती है। लेकिन फर्क क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो 25-25 हजार की 100 पॉलिसी करते हैं, सेंचुरियन बनते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। और कुछ स्मार्ट साथी होते हैं जो 25 लाख के प्रीमियम की एक ही पॉलिसी कर दी, ऐसी पॉलिसियां करते रहते हैं। सो ग्रोथ उनकी ज्यादा होती है। और वही साथी जो है 2%, 3%, 5% सेगमेंट में आते हैं, जो 90% इनकम लेके जाते हैं, दे वर्क स्मार्ट। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए फर्क क्या है, इस फोटो को, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। सब साथी मेहनत करने निकले, लेकिन एक स्मार्ट बंदे ने क्या किया, जो मुझे नहीं चाहिए उस गोल को, उस टारगेट को स्मूथ बनाया, जो चीज नहीं है उसको हटाता गया, जो चीज काम की उसको रखा और उसको रोल किया, आगे बढ़ गया। और कुछ दोस्त उस पर मेहनत नहीं किए, चलता है चलता है चलता है तो वो आगे नहीं जा पाते। Why HNI business? HNI business क्यों करना है? Why HNI business? क्या कारण है? उसका रीजन है दोस्तों, riches make you rich। धनवान ही आपको धनवान बनाएगा। यह 100 बार चीज बोल के रखिए अपने आप को, सुबह बोलिए, दोपहर बोलिए, शाम बोलिए। धनवान ही आपको धनवान बनाएगा। सुबह बोलिए, दोपहर बोलिए, शाम बोलिए, आपको पूरी देर धनवान ही दिखेंगे। आपके प्रोस्पेक्ट धनवान होंगे, आपका बिजनेस धनवानों के साथ होगा, आप भी धन के मालिक बनेंगे और आप भी कमाएंगे। हमारी नजर बदलने से नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलने से नजारे बदल जाएंगे। एक छोटा सा प्रोजेक्ट देता हूं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट देता हूं। वैसे आज की मीटिंग में प्रोजेक्ट का कोई काम नहीं, बट एक छोटा सा प्रोजेक्ट देता हूं, ध्यान रखिएगा, लिखिए। आज सोने से पहले लिस्ट बनाइएगा, कौन कौन आपको 10 लाख या उससे ऊपर
प्रीमियम दे सकता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ के लिस्ट बनाइए कौन कौन आपको 10 लाख से ज्यादा प्रीमियम दे सकता है या 25 लाख से ज्यादा प्रीमियम दे सकता है, या अगर आप चाहते हो तो कौन आपको 50 लाख से ज्यादा प्रीमियम दे सकता है, इसकी खाली एक बार लिस्ट बनाओ। अगर आप दोस्तों लिस्ट बनाने भी बैठेंगे ना, आपको सब वही दिखेंगे जो आपको उतनी इनकम दे सकते हैं। नजर बदलने से आपके नजारे बदल जाएंगे। ट्राई कीजिएगा इस प्रोजेक्ट को, सिर्फ कथा मत सुनिएगा, इस प्रोजेक्ट को आज ही ट्राई कीजिएगा, नजर बदलोगे, नजारे बदल जाएंगे। सो धनवान ही आपको धनवान बना सकता है। इफ यू डोंट डू दिस, इफ यू आर प्रोफेशनल, आज के हर एक मीटिंग के हर एक शब्द की सोने से ज्यादा कीमत है, क्योंकि सोना तो सिर्फ 50,000 का एक तोला आता है। आपका एक काम हो गया ना दोस्त, तो हो सकता है आप 5 लाख, हो सकता है 10 लाख कमा लें एक छोटी सी आइडिया से, क्योंकि आइडिया जिंदगी बदल देती है। सो रिचेस मेक यू रिच, रिचेस मेक यू रिच, रिचेस मेक यू रिच, इस सिद्धांत को भूलिएगा नहीं। आप में से किस किस को आज की यह प्रेजेंटेशन चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट, जिसको अभी प्रेजेंटेशन चाहिए 30 सेकेंड्स के अंदर चैट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाले, चैट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर अभी ट्राई करें। भूल में भी व्हाट्सएप नंबर गलत मत लिखिएगा, बहुत सारे साथी कई बार ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी में नंबर गलत लिखते हैं, फिर मगन भाई की जगह छगन भाई को प्रेजेंटेशन चला जाता है। Your time starts now. जो आज मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, क्या आपको चाहिए? Do you want that presentation? तो अभी ही अपना नंबर दोस्त इसमें डालिए, आपको आ जाएगा। अभी ही नंबर डालिएगा, आपके व्हाट्सएप पर हम यह प्रेजेंटेशन भेजने वाले हैं, मेरे ऑफिस से आपके पास प्रेजेंटेशन आने वाला है। So, अगर आप जल्दी डालेंगे तो जो पहले डालेंगे उनको पहले आएगा, जो थोड़े सोचेंगे इसमें क्या होगा, लॉस तो कुछ नहीं होगा, जो ज्यादा सोचते हैं ना, सोचू राम, एनालिसिस क्रिएट्स पैरालिसिस, ये दूसरा नियम बताऊंगा मैं आपको। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एनालिसिस जरूरी होता है, लेकिन जो जिंदगी में सिर्फ एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस का पैरालिसिस हो जाता है, सिर्फ सोचते रहते हैं। जिंदगी में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के बाद, कदम बढ़ाने के बाद कुछ करने से कुछ होता है। जिंदगी में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के बाद कुछ करने से कुछ होता है दोस्तों। फंटास्टिक, फंटास्टिक। सो आप नंबर्स लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, यू विल गेट दिस प्रेजेंटेशन। आपको चैट में नंबर लिखने हैं तो आपको प्रेजेंटेशन आ जाएगा। कौन से 7 थ्रेड्स हैं दोस्तों हमारे बिजनेस में, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं चाहता हूं कि भविष्य में मैं HNI बिजनेस करूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बिजनेस करूं, मैं ऐसे HNI सेगमेंट को टच करूं, तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि हमारे बिजनेस में कौन से 7 सबसे बड़े थ्रेड्स हैं जिसके लिए मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी कमर कसनी पड़ेगी। पहला थ्रेड कौन सा है दोस्तों? यूनियन बजट में 100% FDI इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में दी गई है, मतलब कि जो ब्रोकर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूएसए अमेरिका का कॉल था और सामने वाला ब्रोकिंग फर्म के साथ काम कर रहा था और उसने जीवन उमंग खरीदी। यस फ्रेंड्स, सो ऐसे इंटरमीडियरीज को FDI में 100% परमिशन मिल रही है, सो दे ब्रोकर्स विल बी मोर, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, ब्रोकर्स विल बी मोर। डिजिटल अवेयरनेस एंड बिजनेस पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है। अगर आप देखेंगे आज हर एक प्लेटफॉर्म पे डिजिटल अवेयरनेस बढ़ने की वजह से बिजनेस पेनिट्रेशन जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का बढ़ रहा है। दिस इज अ सेकंड थ्रेड। 25% ऑफ द प्रोटेक्शन मार्केट शेयर बाय अ सिंगल एग्रीगेटर, नाउ इट इज इंक्रीज टू 35%। प्रोटेक्शन मार्केट में एग्रीगेटर्स जो है वो बढ़ रहे हैं।
मोर प्लेटफॉर्म्स आर वेटिंग टू एंटर इन द गेम, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं इस गेम में, आपके साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार है। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते होंगे, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। 50-50 एजेंसी फोर्स, मतलब आज प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज के जो एडवाइजर्स हैं वो इक्वल फोर्स हो चुका है। बाय द टर्म इन्वेस्ट द रेस्ट, सिर्फ आप एक टर्म प्लान ले लें और बाकी के पैसे इक्विटीज में इन्वेस्ट कर लें। दिस इज अ थ्रेट टू योर बिजनेस डायरेक्टली, एंड टैक्स इंसेंटिव्स आर नॉट अट्रैक्टिव फॉर HNIs एंड NRIs। HNIs और NRIs के लिए जो टैक्स इंसेंटिव थे, जो पहले टैक्स की वजह से इन्वेस्टमेंट्स होते थे, वो इंसेंटिव्स कम होते जा रहे हैं। दीज आर द थ्रेट्स। अब उसको अगर हम डिटेल में और देखते हैं साथियों, डिफरेंट फैक्टर्स क्या है। व्हेन प्रोडक्ट्स आर सिमिलर इट डजंट मीन द वैल्यू इज इक्वल। प्रोडक्ट अलग अलग है इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू सेम है। प्रोडक्ट अलग अलग है इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू सेम है। जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स प्रोडक्ट्स देते हैं और आप जो प्रोडक्ट्स देते हैं सेम है, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है। और कि कौन सी वैल्यूज है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। रिबेट और प्राइस वॉर क्या होता है, रिबेट और प्राइस वॉर क्या होता है। विनिंग सेल इज द गेम ऑफ वैल्यू क्रिएशन ओवर द प्राइस वॉर। इस सेंटेंस को अपने दिल दिमाग में लिख के रखिएगा। विनिंग सेल इज द गेम, सेल को जीतना, कॉल को क्लोज करना, उसको जीतना यह गेम है। यह गेम किस दोनों के बीच में खेली जाती है, वैल्यू क्रिएशन ओवर द प्राइस वॉर। बहुत सारे साथी जबरदस्त रिबेट दे देते हैं, बहुत सारे साथी जबरदस्त डिस्काउंट्स दे देते हैं, रिबेट्स दे देते हैं, पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन सबको बोलते हैं कि आपका फ्यूचर जोरदार होगा, लेकिन फ्यूचर जोरदार होगा लेकिन होता क्या है, वह डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट, रिबेट्स दे दे के उनकी जो फ्यूचर की इनकम है वो नहीं आती। जो रियली में इनकम बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ती। ऐसे एडवाइजर्स मैंने देखे हैं कि सालों से MDRT कर रहे हैं लेकिन लोन में डूबे हुए हैं, रियल इनकम नहीं स्टार्ट होती। उसका रीजन है प्राइस वॉर वर्सेस वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, दैट मैटर्स फ्रेंड्स। आज हम आते हैं हाउ टू क्रिएट अ वैल्यू। कौन से चार क्रिटिकल रिस्क होते हैं जो बिजनेसमैन के पास होते हैं, इसको अगर आपने समझ लिया तो बिजनेसमैन को आपको कोई भी इंश्योरेंस देना होगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। कौन से चार क्रिटिकल रिस्क है जो बिजनेसमैन के पास होते हैं। सबसे पहला क्रिटिकल रिस्क जो बिजनेसमैन के पास होता है, अगर आप इस पे बात करते हैं तो आप भीड़ से हट जाएंगे, सिर्फ बात भी करते हैं तो भीड़ से हटेंगे। सबसे पहले होता है सक्सेशन रिस्क। बिजनेसमैन रिस्क से भरा पड़ा है दोस्तों। बिजनेस क्या है, बिजनेस इज अ बंडल ऑफ रिस्क। दुनिया भर की रिस्क बिजनेस में होती है, बिजनेसमैन के पास होती है और वो उसको भली भांति जानता है। सो सबसे पहले उसके मन में आता है सक्सेशन रिस्क। अगर उसको कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस कैसे चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो कौन सी रिस्क हो सकती है, अगर ऐसा हुआ तो कौन सी रिस्क हो सकती है, ये बिजनेसमैन के माइंड में कंटिन्यूस चलता रहता है। हमारा फोकस सिर्फ पॉलिसी पे होता है दोस्त, पॉलिसी नहीं बिकती, प्रोटेक्शन बिकता है। आप सोचिए जिस जो ब्रोकर
इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करता है, यूएसए में काम कर रहा है, वो जीवन उमंग ले रहा है, कुछ तो ऐसी बात कही होगी जो उसके माइंड में स्ट्राइक हुई। सबसे पहला सक्सेशन रिस्क, बिजनेसमैन के माइंड में होता है सक्सेशन रिस्क, कल क्या होगा, उसको कैसे डील किया जाएगा, कैसे करेंगे। फर्स्ट क्रिटिकल रिस्क बिजनेसमैन की होती है सक्सेशन रिस्क। सेकंड रिस्क बिजनेसमैन के लिए आती है दोस्तों बिजनेस इंसॉल्वेंसी रिस्क। आज बिजनेस डिसरप्ट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, परिस्थितियां बहुत फास्ट बदल रही है, तो हर एक बिजनेसमैन को मन में एक होता है कि इंसॉल्वेंसी हो गया तो क्या हो सकता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखी होगी जिन्होंने इंसॉल्वेंसी बुक की है। बिजनेसमैन की सेकंड हिडन, उसके मन में जो रिस्क चलती रहती है, दैट इज अ बिजनेस इंसॉल्वेंसी रिस्क। थर्ड रिस्क बिजनेसमैन की होती है पर्सनल लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स है या जो ऑफिसर्स है, उनकी लायबिलिटीज और उनके जो पर्सनल लायबिलिटीज है उस पर रिस्क होती है। और चौथी रिस्क होती है प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल वेल्थ। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो जो भी बचाया धन है वो यूं जा सकता है, वो उनके माइंड में ये रिस्क चलती रहती है, ये उनके कंसर्न्स होते हैं, ये टेंशन्स होते हैं एमएसएमई के बिजनेसमैन के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, पार्टनरशिप के मन में ये चार जो रिस्क है वो चलती रहती है। सक्सेशन रिस्क, बिजनेस इंसॉल्वेंसी रिस्क, पर्सनल लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, उसके साथ प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल वेल्थ। जो भी अब तक बचाया है वो एक कोई छोटी सी गलती, एक इंसिडेंट, एक मिस्टेक, एक गवर्नमेंट का डिसीजन उसको बदल सकता है, और उसकी वजह से उन्होंने जो भी पैसा धन कमाया है वो जा सकता है। इसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल वेल्थ की रिस्क है। आपसे एचएनआई क्या चाहता है, व्हाट एचएनआई वांट्स फ्रॉम यू। मैंने ये बताया था कि एचएनआई आपसे क्या चाहता है, व्हाट एचएनआई वांट्स फ्रॉम यू। एचएनआई आपसे क्या चाहता है, एचएनआई चाहता है कि कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस अगेंस्ट बिजनेस डिसरप्शन। कैसी भी परिस्थिति हो जाए मेरे बिजनेस को आंच नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा प्लान बताओ। एचएनआई की पहली नीड आपसे ये होती है कि मार्केट में, बिजनेस में कुछ भी उथल पाथल होती है उसके सामने मेरा बिजनेस भी चलता रहा, मेरा परिवार को भी प्रोटेक्शन मिले, मुझे ऐसा कुछ बताओ। एचएनआई आपसे ये पहली चीज मांगता है, वो पॉलिसी नहीं मांगता, वो आपसे पॉलिसी नहीं मांगता, वो आपसे ये पहली नीड, उसकी आप नीड तो समझो, उसको चाहिए क्या। पहला तो उसको ये चाहिए कि उसका बिजनेस और उसका परिवार प्रोटेक्टेड होना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। दूसरी एचएनआई की नीड होती है लिक्विडिटी, जब चाहे उसके पास कैश होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। तीसरी होती है उसको लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब आप देखेंगे कुछ समय पहले रेमंड का जो ऑनर था उसको अपने बच्चे के साथ फाइट करनी पड़ रही थी सर्वाइवल के लिए, पैसे के लिए। और दिस इज द थर्ड नीड जो अगर आपने किसी भी एचएनआई, किसी भी बिजनेसमैन को बताई, द लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो आपसे डीपली यही चाहता है कि पहला मुझे और बिजनेसमैन को, बिजनेस को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पास लिक्विडिटी कायम होनी चाहिए, और जब तक मैं जीऊं तब तक मेरे पास पैसे आने चाहिए, आने चाहिए, आने चाहिए। ये उसके अंदर की नीड्स है, इसको पहले समझना है आपको। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेल्थ, मेरे पैसे भी बढ़ने चाहिए और जब भी मैं दुनिया छोड़ूं तो जो मेरे परिवार वाले हैं या जो सामाजिक काम मेरे दिल में है उसको पूरा कर पाऊं। दोस्तों एक एडवाइजर ने इस सिर्फ पांचवी नीड के ऊपर, पांचवी नीड, बड़ी पॉलिसी भेज दी, बड़ी पॉलिसी जिसका प्रीमियम सोच के आप डर सकते हैं।
इंटरनेशनल मार्केट की बात बता रहा हूं, या पांचवी नीड, लिविंग बिहाइंड अ लीगेसी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ चैरिटेबल कॉज क्लोज टू देयर हार्ट। पैसा सब कुछ नहीं होता, एक लेवल के बाद, या वो मैं थ्योरी आज मैं नहीं ले रहा, मॉस्लो थ्योरी उसका नाम है, मॉस्लो की थ्योरी बताती है कि एक लेवल के बाद पैसा काम नहीं करता, पैसा काम नहीं आता, पैसे की नीड नहीं होती एक लेवल के बाद। और उस लेवल के बाद या पांचवी नीड से एक एडवाइजर ने बहुत बड़ी पॉलिसी बेची इंटरनेशनल मार्केट में। इसका मतलब रिटर्न से कोई नहीं है, इसका मतलब क्या रिटर्न मिलेगा कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब है पांचवा नीड ऑफ एचएनआई। सो ये पांच नीड्स को बहुत ध्यान से आपको समझना है, इसके बारे में लिखना है, या पांच नीड्स पे अगर आप समझ गए तो आपको पता चलेगा एचएनआई को बड़ी पॉलिसी बेचने के कौन से नुस्खे होते हैं, कौन सी ट्रिक्स होती है, कौन सी टेक्निक्स होती है, कौन सी टिप्स होती है। दोस्तों तीन लेवल होते हैं साथियों कॉम्पिटिशन के, आप कॉम्पीट कर रहे हैं तो आप कौन से लेवल में है सोचिएगा, तीन लेवल होती है कॉम्पिटिशन की, आपके इर्द गिर्द जिनके साथ आप कंपीट करते हैं तीन लेवल पे होता है। पहली लेवल होती है ये, राइट, सब जगह भीड़, सब जगह भीड़, दिस इज द फर्स्ट कंपटीशन। सेकंड लेवल होती है कंपटीशन की स्काई, भीड़ बहुत कम हो जाती है, मजा आता है। रॉकेट उससे भी ऊंचाई। जिंदगी का नियम याद रखिएगा, जितना आप ऊंचाई पे जाते हैं उतनी भीड़ कम होती है। अगर जीतना है जिंदगी में तो जितनी ऊंचाई के साथ आप काम करते हैं, जितनी ऊंचाई पे आप काम करते हैं, आप भीड़ से हटके होते हैं, आपका रिकॉग्निशन अलग होता है, आपका मार्केट अलग होता है, आपका कॉम्पिटिशन अलग होता है। तीन लेवल होते हैं, हम मैं किस लेवल में हूं कॉम्पिटिशन में, एक बार सोचिएगा, अपने आप से पूछिएगा। कॉम्पिटिशन के तीन लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं किस लेवल पे हूं, मैं कहां कंपीट कर रहा हूं। जितनी ऊंचाई पे जाते हैं उतनी भीड़ कम होती है। तीन लेवल है कॉम्पिटिशन के, इसीलिए 95% जो एडवाइजर्स है वो रेड ओशन में काम करते हैं, और 5% एडवाइजर्स हैं जो एचएनआई की नीड्स को समझते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो क्या आप ब्लू ओशन में जाना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपको ब्लू ओशन में काम करना चाहिए? क्या आपके मन में इच्छा है ब्लू ओशन में काम करने के लिए, एचएनआई के साथ काम करने के लिए? डू यू वॉन्ट टू वर्क विथ एचएनआई? कॉम्पिटिशन से हटके ऊपर उठना चाहते हैं तो आंसर लिखिए यस चैट में। और ये आज सिर्फ और सिर्फ सीरियस एडवाइजर्स के लिए ही मीटिंग चल रही है। फंटास्टिक, फंटास्टिक, जबरदस्त साथी लिख रहे हैं, यस 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 यस, बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। तीन लेवल होते हैं कंपटीशन के, और आप लेवल को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, इस परिस्थिति को आप बदलना चाहते हैं। So that's why it is important to understand the opportunity for you. इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी भी मैं बहुत सारे facts, figures आपको बताने वाला हूं। जो पांच fears बताए मैंने HNI के साथ काम करने के, जो 5 fears मैंने बताए, उसके ऊपर एक एक का मैं आपको आंसर देने वाला हूं, one by one। उनको मैं आंसर आपको देने वाला हूं वन बाय वन। सो सबसे पहले अपने आप को भीड़ से अलग करना है आपको, द रूल वन, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अबोव द अदर्स। अपने आप को आप अलग कैसे कर सकते हैं? ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए अभी अभी, अपने मन में अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं ऐसा क्या करता हूं कि जो मुझे भीड़ से अलग करे? मेरी एक क्वालिटी ऐसी कौन सी होनी चाहिए जो मुझे भीड़ से अलग करे?
पॉजिटिव क्वालिटी की बात कर रहा हूं, अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूं, है ना। कोई बोले मैं तो सर 18 घंटे सो सकता हूं, ये मेरे को भीड़ से अलग करता है, वो बात नहीं कर रहा। विच इज योर बेस्ट क्वालिटी जो आपको भीड़ से अलग करती है? कौन से आप ऐसे काम करते हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं? कौन सी नई चीजें आप सीखते हो जो आपको भीड़ से अलग कर सकती है? कौन से नए इनोवेटिव एफर्ट्स आप लगाते हैं जो आपको भीड़ से अलग कर सकते हैं? सो भीड़ से अबो। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं दोस्तों? पहले कॉम्पिटिटर्स जानिए। आज मैं आपको एक एक चीज का आंसर देने वाला हूं। वो पांच जो आपके अंदर फियर है, मैं उनको मिलूं कैसे, मैं उनको कांटेक्ट कैसे करूं, मैं शुरुआत कैसे करूं, उनकी नीड्स कौन सी होती हैं, आज मैं हर एक का आंसर दे रहा हूं। नो योर सिक्स कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहले आपका कॉम्पिटिटर है डिजिटल मार्केट। बहुत सारे बाजार खुले हुए हैं इंश्योरेंस के लिए। डिजिटल मार्केट इज योर कॉम्पिटिटर्स। ऑल बैंक्स आर योर कॉम्पिटिटर्स, दे आर सेलिंग इंश्योरेंस। ऑल ब्रोकर्स आर योर कॉम्पिटिटर्स, दे आर सेलिंग इंश्योरेंसेस। ऑल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स आर योर कॉम्पिटिटर्स। पहले समझो तो सही, मुझे लड़ना किससे, मुझे भिड़ना किससे, मेरी लड़ाई किससे है। ऑल क्रेडिट कार्ड कंपनीज आर योर कॉम्पिटिटर्स एंड योर ओन कंपनी। ऑनलाइन policy is your competitor, right or wrong? Online business by your own company is also an indirect competitor. भले same company है but आपके लिए तो competition है। ये छह आपके competitors हैं, इनसे आपको आगे रहना है, इस भीड़ से भी आगे रहना है, इनसे और different आप कैसे बन सकते हैं उसके ऊपर आते हैं। How technology cannot affect your business? ऐसा आप क्या करें ताकि ये छह कॉम्पिटिटर आपको जल्दी नहीं हरा सकते। यूनिक रिस्क प्लान प्रपोजिशन, टेक्निक सुनिएगा। यूनिक रिस्क प्लान प्रपोजिशन, पहला अलग प्रकार का प्लान प्रपोजिशन जो इनमें से कोई नहीं देता। पॉइंट वन, ये जो कॉम्पिटिटर्स मैंने आपको बताया इनमें से कोई भी नहीं देता। पहला रूल, यूनिक रिस्क प्लान प्रपोजिशंस। मार्केट वेयर टेक्नोलॉजी कैन नॉट कंपीट बट हेल्प यू। ऐसी जगह फोकस करना है जहां पर टेक्नोलॉजी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती लेकिन आपको हेल्प कर सकती है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, टेक्नोलॉजी के फायदे से आप ये छह कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं, अपने आप को भीड़ से अलग कर सकते हैं, अपने आप को एक नई ऊंचाई पर जहां पर कॉम्पिटिशन ही नहीं। एंड मेक योर सेल्फ इनएविटेबल। आपके बगैर काम नहीं चले, उतना अपने आप को तराशना है। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट मेक्स यू डिफरेंट। अब आपके लिए और एक प्रोजेक्ट, आज मैं बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स और भी दे रहा हूं। हाउ मच यू विल अर्न बाय सेलिंग इवन अ सिंगल HNI पॉलिसी? सोचिए 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 एक सेकेंड, मैं आपके लिए रख रहा हूं, सोचिए एक सेकेंड। हाउ मच यू विल अर्न बाय सेलिंग इवन वन HNI पॉलिसी? आप कितना कमाएंगे अगर आपने एक भी HNI पॉलिसी बेची? इवन अ सिंगल, इवन अ वन HNI पॉलिसी कितना कमाएंगे? सोचिए, फिगर तो ध्यान होना चाहिए, इनकम तो यूं दिखनी चाहिए। अगर आपने एक HNI पॉलिसी बेची तो आप कितना कमाएंगे? दोस्त मैं रियली बताता हूं, दो दिन पहले जो मेरा अनुभव रहा अमेरिका के एक प्रोस्पेक्ट के साथ, आई रियली एंजॉयड। दोस्त वो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ था जब उसके घर में रात के 2 बजे तब कॉल कंप्लीट हुआ, और मुझे ये खुशी हुई कि हमारे पार्टिसिपेंट ने इंश्योरेंस एडवाइजर को पॉलिसी प्रपोज की बड़े प्रीमियम की और वो फाइनल भी हुई। दिस इज अ गेम चेंजर। आई रियली सैल्यूट दैट लेडी। अब कुछ कारणों से मुझे सीक्रेट रखना पड़ रहा है, नहीं तो मैं आज आपको नाम बता देता, लेकिन कुछ कारणों से मुझे सीक्रेट रखना पड़ रहा है आपसे। बिजनेस
डेफिनेटली बिजनेस एथिक्स की वजह से मैं आज आपको नहीं बता सकता, लेकिन वक्त आने पर अवश्य बताऊंगा. सो हाउ मच यू विल अर्न जस्ट बाय सेलिंग इवन ए सिंगल HNI पॉलिसी. अगर आप सिर्फ 25 लाख की भी पॉलिसी बेचते हैं, प्रीमियम की 25 लाख की पॉलिसी भी बेचते हैं, तो इनकम कितनी होगी सोचिए. 50 लाख की पॉलिसी बेचते हैं, इनकम कितनी होगी. इट इज योर लुकआउट, आपको सोचना है कि क्या हो सकता है. 5 fears to face HNI prospect. दोस्तों 5 fear रहते हैं HNI prospect को फेस करने के. How can I contact them? रहता है ना? Don't contact. Connect with their real needs. मैंने real needs जो बताई आपको, सिर्फ contact करने के लिए मत सोचो. Connect with their real needs. Connect with the people. And connect with their real needs. So problem contact का नहीं है दोस्त, problem connect का है. Second fear आता है, will they treat me well? क्या वो मेरे respect करेंगे, क्या वो मुझे उसी तरह से treat करेंगे? Yes, if you speak language that they like to listen. Answer is yes. जब आप उनकी भाषा करोगे, उनकी भाषा, उनके शब्द इस्तेमाल करोगे जो उनको पसंद है, जो उनके काम के हैं, तो दे विल रिस्पेक्ट यू. जो मैंने 5 needs बताए दोस्त, अगर खाली उस पर आप बात भी करेंगे ना, दे विल ट्रीट यू फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. नेक्स्ट, हाउ शुड आई स्टार्ट. सर मैं शुरुआत कैसे करूं? हाउ शुड आई स्टार्ट, मैं कैसे शुरुआत करूं? पेन पॉइंट इज योर गेन पॉइंट. बिजनेसमैन की जो पेन पॉइंट होती है, दैट इज योर गेन पॉइंट. हाउ शुड आई स्टार्ट, मैंने आपको बिजनेसमैन के फियर्स बताए, उनके फियर्स बताए, उनकी नीड्स बताई. जब आप उस पर बात करते हैं तो बिजनेसमैन आपको सुनेगा नहीं, घंटे तक सुन सकता है, 2 घंटे तक सुन सकता है. If you work on their pain points are your gain points. What are their actual needs? उनकी actual needs क्या है? Their core need is protection of family and business against disruption. जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, उनकी actual needs क्या होती है? उनकी actual needs होती है protection of their family and business against disruptions. Do I have the products to satisfy their real needs? Yes, they need tailor-made structured products. कुछ ऐसा product, कुछ ऐसा combination, कुछ ऐसी चीजें mix करना जो उनकी real needs को satisfy कर पाए. इसी वजह से दोस्तों सिर्फ 5% भी नहीं, आधा % advisors हैं जो real HNI के ऊपर काम करते हैं. That's why it's a totally competition-less sector. सिर्फ आधा % advisors HNI के ऊपर काम करते हैं. इसी वजह से यहां पर भीड़ नहीं है, competition-less sector है. क्या आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि सर इस लाइन में समझने के बाद implementation और जानना अभी भी बहुत बाकी है? क्या आज आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जानने को मिली जिससे आपके मन में यह सवाल आ रहा है, सर इसमें तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें? मैंने नीड्स जान ली सपोज, तो मैं कौन सा सवाल शुरू करूं, कैसे शुरुआत करूं? उसके 5 needs जानूं लेकिन उसकी और डिटेल में कैसे जाऊं? मतलब बहुत कुछ अभी भी किस तरह से करना चाहिए यह जानना बाकी है. मन में एक सवाल आपके आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको आज प्रोजेक्ट भी दिया है, अगर आज इसके ऊपर काम नहीं किया हमने तो आने वाले समय में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारे थ्रेट्स हैं, वो बिजनेस को फिनिश कर देंगे. एक बार सोच के देखिएगा कौन से 8 secrets हैं टॉप परफॉर्मर्स के. अब मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, कौन से 8 secrets हैं. दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आर यू रियली सीरियस अबाउट योर बिजनेस? आज जो मैंने HNI की नीड्स, उनके कंसर्न्स, उनकी 4 risks, अभी तो आपने सिर्फ
आज जितना समय मिला उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक आपके मन में कैसा था, जिसके पास बहुत पैसे है उसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। आज मेरे एक एग्जाम्पल ने आपको यह सिद्ध कर दिया कि जिसके पास ज्यादा पैसा है सही प्रोटेक्शन उसी को चाहिए। दोस्त जिसके घर में बहुत पैसा होता है मजबूत ताला उसको चाहिए होता है, जिसके घर में पैसा नहीं होता उसको ताले की जरूरत नहीं होती है, प्रोटेक्शन उसको चाहिए जिसकी कीमत ज्यादा होती है, जो HNI होता है, बिलियनर होता है। अगर आपने इस छोटी सी चीज को भी समझ लिया तो ये शुरुआत है, अभी तो ये पहली है पॉइंट है। सो 8 सीक्रेट्स ऑफ टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, अभी थोड़ा समय है। अभी मैं आपको और कुछ देना चाहता हूं। सो आपकी परमिशन से ये मैं पूछना चाहता हूं, आर यू सीरियस अबाउट HNI बिजनेस? तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, कॉरपोरेट कोर्स सिर्फ उसी प्रोफेशनल चंद लोगों से, चंद लोगों के लिए है जो HNI सेगमेंट में काम करना चाहते हैं। HNI से कैसे बात करें, कैसे उनको मेल्स भेजें, कैसे उनको ढूंढें, कैसे बात की शुरुआत करें, कैसे प्रेजेंटेशन दें, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स को कंबाइन किया जाए। सो सिर्फ डेडिकेटेड प्रोफेशनली सीरियस लोगों के लिए यह बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। अभी भी मैं 8 सीक्रेट आपको बताने वाला हूं टॉप परफॉर्मर से, जो उसको भीड़ से अलग करते हैं। एवरी सैटरडे 26 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, इस नेक्स्ट सैटरडे से यह अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होने वाली है और बिल्कुल लिमिटेड लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है, भीड़ के लिए नहीं है। शाम को 7 से 9, इवनिंग 7 to 9, आपका ऑफिस का काम निपटा के बिल्कुल लर्निंग टाइम, लर्निंग टाइम, लर्निंग टाइम, अर्निंग टाइम, अर्निंग टाइम, अर्निंग टाइम, 25 यूनिक प्रोजेक्ट्स, 25 यूनिक टॉपिक्स, 8 बिजनेस प्रोजेक्ट्स के साथ सैटरडे को स्टार्ट होने जा रहा है। 25 टॉपिक और 8 प्रोजेक्ट। कौन से 25 टॉपिक है ये आपकी स्क्रीन पे है, किस तरह से मेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चैलेंज मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकिंग क्या है, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, कौन से 3 स्टेप्स हैं कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट के, ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग्स कैसे करनी चाहिए, 27 इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट फाइनेंसिस के पॉइंट्स कौन से हैं, नए प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स कौन से हैं, TOT कैसे करना चाहिए, टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, 5 फ्लाइंग कॉम्बिनेशन फॉर HNI बिजनेस, 100 करोड़ मैप फॉर कीमेन एंड कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, नीश मार्केटिंग, MWP एक्ट और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट से नीश मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस करना कैसे करना चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स है, मैं सब यहां पर आपको नहीं बता रहा हूं। और ये इंटरेक्टिव सेशन रहता है, आज तो आप बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट है इंटरेक्टिव सेशन रहता है दोस्तों, 2-वे सेशन रहता है, आप बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, आपके साथ पर्सनल इंटरेक्शन रहता है, मेंटरशिप रहता है। हाउ एंड वाई टू ड्राफ्ट विजन मिशन, हाउ टू डेवलप विनिंग हैबिट्स, हाउ टू डेवलप, ये सब आप सिर्फ टॉपिक्स एक बार देखिएगा, किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करना चाहिए, मीटिंग्स डेवलप करना चाहिए, MWP एक्ट को कैसे प्रैक्टिस में लाना चाहिए। अगर हम दोस्तों 2 दिन की कहीं पे ट्रिप पे जाते हैं तो एक आदमी का 5 से 8 हजार खर्चा हो जाता है। अगर कहीं पर अम्यूजमेंट पार्क में चले जाते हैं जिसके राइड्स एक एक राइड 500-500 1 हजार की होती है, अगर 2 दिन हम कहीं घूमने गए तो 5 से 8 हजार एक मेंबर का खर्चा आता है और परिवार का खर्चा 15 हजार से 50 हजार के बीच में आता है। और इस कोर्स की इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए जो इतना बड़ा बिजनेस करने की आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है? कुछ साथी बोले कि 3 लाख, 3 लाख भी हो सकती है, इसकी प्राइस 2.5 लाख भी हो सकती है, इस कोर्स की जिसके अंदर 25 टॉपिक और 8 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं 2.5 लाख की भी हो सकती है, इसकी कॉस्ट जो होती है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 लाख भी हो सकता है। कोई साथी पूछते हैं सर 3 लाख है, 2.5 लाख है, 2 लाख है? दोस्तों इसमें 25 टॉपिक 2 हजार के हिसाब से 50 हजार, 8 प्रोजेक्ट 3 हजार के हिसाब से प्रोजेक्ट वैल्यू 24 हजार,
5000 के हिसाब से 10 प्रोफेशनल मेलर्स वैल्यू लेटर्स 50,000। अगर इसकी टोटल वैल्यू अगर हम मिनिमम भी गिनते हैं दोस्तों तो 1,24,000 इस कोर्स की वैल्यू है। मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम। लेकिन आपके लिए आज अपॉर्चुनिटी आने वाली है, 8 सीक्रेट्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। 1,24,000 इसकी वैल्यू है, लेकिन आज आपके लिए स्पेशल ऑफर है, फास्ट ऑफर है। बैचेस कंप्लीट होने जा रही हैं, अपॉर्चुनिटी फिर आपको अगर मिली तो नेक्स्ट ईयर मिलेगी। कई साथी पूछते हैं सर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब हो सकती है, मिला पहली के लिए आज आपका ऑफर है 14,700। कुछ ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं दोस्तों। अगर हम कहीं 2 दिन घूमने जाते हैं तो कितना खर्चा होता है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और ये 14,700 रुपए में 25 टॉपिक, 20 सेशन, 8 प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप के साथ आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। मेरा नंबर आपके पास होगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है उस पर बात होती है, डिस्कशन होता है, आपको गाइडेंस मिलता है सिर्फ और सिर्फ 14,700। 5 महीने का कोर्स रहने वाला है, एवरी सैटरडे इवनिंग 7 to 9, अर्निंग मोड, लर्निंग मोड, अर्निंग मोड, लर्निंग मोड। और जिनको इसकी पूरी डिटेल चाहिए अभी ही इन दो नंबर पर कॉर्पोरेट लिख के भेजे फटाफट। जिनको पूरी डिटेल चाहिए इन दो नंबर पर आप कॉर्पोरेट लिख के भेज सकते हैं दोस्तों। पहले तो नंबर लिख लीजिए, अगर भूल गए कोई साथी बाद में आए हैं, 9426743252। इसके ऊपर अगर आप कॉर्पोरेट लिख के भेजते हैं तो आपके पास ऑप्शन आने वाला है। और दूसरा है 9428598252। दोस्तों हम कपड़ों पे खर्च कर देते हैं, अपने ऐशो अशरत पर खर्च करते हैं, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर अर्निंग का जो काम करता है वो यहां से होता है माइंड। बी द इंजीनियर ऑफ योर बिजनेस, लेबरर नहीं, बी द इंजीनियर ऑफ योर बिजनेस। आप कोट लाते हैं कई बार, ब्लेजर लाते हैं 10,000 का, आप शर्ट लाते हैं 2,000 की, आप जूते लाते हैं 2,000 की, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू, 2 साल के बाद वैल्यू डाउन। लेकिन जो आप आपके माइंड पे खर्चा करते हैं, माइंड पे इन्वेस्ट करते हैं, वो लाइफ लॉन्ग आपको रिटर्न देता है। यह सिर्फ समझदार आदमी समझता है, यह सिर्फ समझदार आदमी समझता है कि जो पैसा यहां पर इन्वेस्ट होता है उससे ज्यादा रिटर्न दुनिया में कोई चीज नहीं दे सकती। क्या आप उसी भीड़ में काम करना चाहते हैं जिस भीड़ में अब तक काम कर रहे थे, या उस भीड़ से हटके उससे भी ऊपर जाके अपनी वैल्यू, अपना टाइम, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं? दोस्तों चॉइस आपकी है। क्या आप अभी भी उसी भीड़ में काम करना चाहते हैं 25,000 की 100 पॉलिसी, या आप 25 लाख की एक पॉलिसी, 50 लाख की एक पॉलिसी ऊपर उठना चाहते हैं भीड़ से हटके? तो भीड़ से हटके आपको सोचना होगा, भीड़ से अलग काम करना होगा। चॉइस दोस्तों हमेशा जिंदगी में आप जो भी हैं आपके चॉइस के हिसाब से है। आप आज जिंदगी में जो भी हैं, मैं अपनी जिंदगी में आज जो भी हूं अपने डिसीशंस के वजह से हूं, अपने चॉइस की वजह से हूं, अपने रिस्क की वजह से हूं। जो भी मैंने डिसीशन लिए हैं आज मैं जो भी हूं अपने डिसीशंस की वजह से हूं। जिंदगी में आज आप जो भी हैं अपने चॉइसेस की वजह से, अपने डिसीशंस की वजह से। डिसीशन कभी भी गलत या सही नहीं होता, डिसीशन डिसीशन होता है। जिंदगी में सक्सेसफुल आदमी डिसीशन लेता है और उसको सही करता है। जिंदगी में सक्सेसफुल आदमी डिसीशन लेता है और उसको सही करता है। इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है? 10 चीजें मिलने वाली है। ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा सॉफ्ट कॉपी का, ब्रांडेड पीपीटी आपके फोटो के साथ, आपके नाम के साथ प्रेजेंटेशन आपको दिया जाएगा ताकि आप कॉरपोरेट बिजनेस में उसका इस्तेमाल कर सकें। ईमेल, HNI ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको दी जाएगी, HNI को कैसे मेल करना है, उसको ढूंढना कैसे है, उस तक कैसे पहुंचना है, उसकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजीज कैसे होती है, बिजनेस ट्रैकिंग सिस्टम आप अपने बिजनेस को कैसे ट्रैक कर सकें, NRI अंडरराइटिंग सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा,
एचएनआई का कॉल कैसे ओपनिंग करना है, एचएनआई का फॉलोअप कैसे करना है, उसको व्हाट्सएप कैसे भेजना है, उसको ईमेल कैसे भेजना है, ग्रुप मेंटरिंग एंड गाइडेंस आपको इसके अंदर मिलेगी दोस्तों। बिजनेस प्रोजेक्ट्स एंड फॉलोअप, आपको जो बिजनेस प्रोजेक्ट दिया गया उसके ऊपर आपने क्या काम किया उसका फॉलोअप आपके साथ लिया जाएगा, और आपको जो यह रिकॉर्डिंग है वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो भी पहला सेशन हुआ दूसरा सेशन हुआ सभी सेशंस की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग इसके अंदर मिलने वाली है दोस्तों। और जिनको इसकी पूरी डिटेल चाहिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो इन दो नंबर पर आप कॉर्पोरेट लिख के भेज दे, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। और जो अभी पेमेंट करना चाहते हैं गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, उनसे दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट अवश्य भेजिएगा। और पेमेंट का नंबर है, यह नंबर अलग है दोस्तों, ये लिखिए पेमेंट का, अभी सीट बुक करने का यह नंबर है 9825657529825657752। 14,700 एक बार सोच के देखिएगा इससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस। आज उसके बाद मैं सीक्रेट्स भी बता रहा हूं, फटाफट ये नंबर लिख लीजिएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। अच्छा, लिमिटेड सीट्स है, ऐसा नहीं है कि पूरी भीड़ बिठा दी, नो, आई डोंट वांट, मुझे उतना ही लिमिटेड ग्रुप की जरूरत होती है जिनके साथ मैं वन टू वन बात कर सकूं, इंटरेक्ट कर सकूं, नाम के साथ बात कर सकूं और वो मेरे साथ बात कर सके, सिर्फ इतना ही हम लिमिटेड ग्रुप रखते हैं दोस्तों। जिंदगी में जो चेंज करते हैं, टॉप के जो एडवाइजर्स हैं उसके और बाकी के बीच में दोस्तों फर्क क्या है। प्रोडक्ट सबके लिए सेम रहता है, प्रेजेंटेशन अलग रहता है, प्राइसिंग सेम होता है, वैल्यू अलग होता है। प्राइस आपके लिए भी सेम है, बॉटम वाले के लिए भी सेम है, वैल्यू अलग क्रिएट होती है, गारंटी सेम होती है, ब्रांडिंग अलग होती है, बेनिफिट सेम होते हैं, नॉलेज अलग होता है, मैच्योरिटी सेम होती है। टॉप एडवाइजर जो पॉलिसी बेचता है, आप जो बेचते हो, मैच्योरिटी सेम होती है, गोल मैपिंग अलग होता है, डेथ अश्योरेंस सेम होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है, मार्केट सेम होता है, फाइंडिंग्स अलग होती है, और ऑब्जेक्शन टॉप के परफॉर्मर के लिए भी वही आता है जो बॉटम के परफॉर्मर के लिए आता है, लेकिन उनका हैंडलिंग अलग होता है। ये 8 सीक्रेट है जो नॉर्मल एडवाइजर और टॉप एडवाइजर के बीच का डिफरेंस है। कैसे नई प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कैसे वैल्यू बढ़नी चाहिए, कैसे ब्रांडिंग होनी चाहिए, कैसे नॉलेज अलग होना चाहिए, कैसे गोल मैपिंग अलग होना चाहिए, कैसे एक्सपीरियंस अलग क्रिएट करना है, कैसे फाइंडिंग्स अलग क्रिएट करनी है, कैसे उसको हैंडल करना है ऑब्जेक्शन को, यह 8 चीजें क्या आप में और टॉप के एडवाइजर्स में फर्क है, राइट? सो एक बार फिर से कॉर्पोरेट लिख के इस नंबर पे आप पेमेंट कर, मतलब इन दो नंबर्स पर कॉर्पोरेट लिख के आप अभी भेज दें, आपको डिटेल आ जाएगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बैंक पेमेंट के लिए। और जिनको पेटीएम और फोन पे से पे करना है उनके लिए ये रहेगा। और दोस्तों मैं चैट, अभी मैं आपकी चैट देख रहा हूं, यहां पर नहीं लिखना है, आपको कॉर्पोरेट लिखना है। यस, डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी यह कर सकते हैं, SBAs करते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड SBA ऑलरेडी यह कोर्स कर रहे हैं। सो यस, डेवलपमेंट ऑफिसर्स कैन डू। कॉर्पोरेट यहां पर नहीं लिखना है, जो मैंने आपको नंबर दिया ऑफिस के उस पे दोस्तों लिखना है कॉर्पोरेट। बहुत सारे साथी चैट में लिख रहे हैं, चैट में नहीं लिखना है, चैट आपके लिए ओपन किया है, आपको कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। यस, सैटरडे इवनिंग 7 to 9 रहेगा, आप मेरे साथ बात कर पाएंगे, मैं आपके साथ डायरेक्ट बात करूंगा, आपके नाम के साथ बात करूंगा, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है उसको दिया जाएगा दोस्तों। ये 5 महीने का कोर्स है, LIC एजेंट कर सकते हैं, और इस कोर्स में बहुत सारे अलग अलग कंपनी और अलग अलग देश से भी लोग इसको ज्वाइन करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कोर्स है वो दोस्तों हमारा अलग है, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड क्विक फाइनेंशियल टूल्स,
उसकी जो बैच होगी वो मई में चालू होगी। प्रोप्राइटरशिप और कंपनी को सेल करना भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा, किस तरह से एलएलपी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स को कौन सी चीज के ऊपर फोकस करके आप इंश्योरेंस दे सकते हैं, प्रोफेशनल्स को, यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी आप किस तरह से प्रोटेक्शन दें, वो भी इस पे पूरा दोस्तों डिस्कस किया जाएगा। यस, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी भेजी जाएगी, आप उसको एक बार, दो बार, पांच बार, दस बार देख सकते हैं। जो मेरे साथी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके लिए जवाब दे रहा हूं मैं। डेवलपमेंट ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं, एसबीएस ज्वाइन करते हैं, इंडिया के अंदर भी ज्वाइन करते हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी पार्टिसिपेंट होते हैं कोर्स में, एलआईसी के भी होते हैं और एलआईसी के बाहर के भी होते हैं। सो हमारे जितने भी दोस्तों कोर्सेस होते हैं वो किसी भी एक कंपनी के पार्टिसिपेंट्स नहीं होते, अलग अलग कंपनीज के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसीलिए नॉलेज शेयरिंग भी पावरफुल रहता है। और यह सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और अलग अलग देश से भी होते हैं, नेपाल से भी होते हैं, दुबई से भी होते हैं। सो यह जो कोर्स होता है वो किसी एक कंपनी के लिए या एक कंट्री के लिए नहीं होता, मल्टीपल कंट्रीज से पार्टिसिपेंट होते हैं और मल्टीपल कंपनीज से होते हैं। 7 to 9 रहने वाला है यह कोर्स, सैटरडे को रहने वाला है, एवरी सैटरडे 7 to 9 यू आर अर्निंग टाइम एंड एवरी सैटरडे 7 to 9 यू आर लर्निंग टाइम। ओके, आपके पास पीपीटी दी जाती है, आपके नाम से दी जाती है, जो जो साथी कोर्स अटेंड करते हैं उनको प्रेजेंटेशन दिया जाता है जो सिखाते हैं कोर्स के अंदर, और वो प्रेजेंटेशन कंपनी में कैसे देना है उनके नाम के साथ, उनके ब्रांड के साथ वह प्रेजेंटेशन उनको दिया जाता है। साथी आप जो भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं, वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, फटाफट हम अभी एंड करेंगे दोस्तों। पूरी डिटेल संदीप जी आपके पास आ जाएगी, एवरी सैटरडे रहेगा और 26 फरवरी से स्टार्ट होगा, जुलाई तक रहेगा सेशंस। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज द नेम ऑफ एलएलपी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, एवरी सैटरडे रहेगा आप, यस, हाँ आप मेरे साथ बात कर पाएंगे डेफिनेटली, आपको पूरी डिटेल्स दी जाएगी। कंपनीज को जो मेल भेजने हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, कंपनीज को जो प्रेजेंटेशन देनी है वो आपके साथ शेयर की जाएगी, एचएनआई के साथ कैसे बात करनी है उसकी स्क्रिप्ट दी जाएगी, अपॉइंटमेंट की स्क्रिप्ट दी जाएगी, जो मैंने बताया उससे कहीं अधिक आपको दिया जाएगा दोस्तों। सो सबसे पहले जिनको क्वेश्चंस हैं, हमारे ऑफिस के नंबर एक बार मैं फिर से आपके साथ शेयर कर देता हूं। यह नंबर है जिसपे आप अपनी सीट अभी बुक कर सकते हैं, बाद में हो सकता है मैं हाथ जोड़ दूं और कहूं कि नहीं बैच पैक हो गया, ऐसा होता है। लास्ट बैच में मैंने कई सारे साथियों को मना कर दिया था क्योंकि हमारा बैच लिमिटेड रहता है। जिंदगी में परिस्थितियां तभी नहीं बदलती, मनोस्थिति बदलती है। सो गूगल पे, पेटीएम और फोन पे इस नंबर पे आप अभी का अभी बुक कर सकते हैं, और हमारे ऑफिस के नंबर्स आपके साथ दोस्तों शेयर किए गए हैं, 9426743252, 9428598252। ये दो नंबर जिसपे आप कॉर्पोरेट लिख के भेजेंगे, यू विल गेट द एंटायर डिटेल, और ये नंबर पे दोस्तों अभी आप पैक कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप रह जाए। जिंदगी में सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से कुछ होता है, डिसीशंस लेने चाहिए जिंदगी में। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ नया, कुछ अलग तरीके से कैसे करना चाहिए इसके ऊपर विचार कीजिएगा। धनवान ही आपको धनवान बना सकता है, किस तरह से एचएनआई सेगमेंट में एंटर करना है, कैसे उनको मेल्स भेजने हैं, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे आपका लुक होना चाहिए, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए, कैसे आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए,
ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के साथ मिलते हैं 26 फरवरी शाम को 7 से 9 एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ। दोस्तों जो आज आपने अभी समय दिया उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। आपका बिजनेस जोरदार रहे, आप एक पॉलिसी में MDRT बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों धन्यवाद।